हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, ऑप्शनल ज्योग्राफी में आज हम लोग जो है ऑप्टिमल पॉपुलेशन क्या होती है, अतिरेक जनसंख्या क्या होती है, यानी ओवर पॉपुलेशन क्या होती है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले देखिए, जो पिछले वीडियो का एक टॉपिक छूट गया था पॉपुलेशन डेंसिटी, तो उसको भी अभी हमें कवर करना है, तो आज उसे भी हम कवर कर लेंगे। देखिए, जो आज मैं आपको ये बताना जा रहा हूँ कि अतिरेक जनसंख्या क्या होती है, न्यून जनसंख्या क्या होती है, अनुकूलतम जनसंख्या क्या होती है, ये यूपीएससी ने मेंशन कर रखा है अपने सिलेबस में, यानी कि यूपीएससी के सिलेबस में ये एक पॉइंट के रूप में दिया हुआ है। तो ऐसे में ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इसको जानना। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं जनसंख्या घनत्व से। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, इसको पिछले वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल से बताया था, तो अगर आपको यहाँ पे समझ में ना आए तो आप पिछले वीडियो में इसे डिटेल में देख सकते हैं। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, यानी कि जो एक वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है उसमें रहने वाले कुल लोग कितने हैं। अब मान लीजिए एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 5 लोग रहते हैं, तो वहाँ का जनसंख्या घनत्व तो हो गया 5, ठीक है। तो अब देखिए, अंकगणितीय घनत्व क्या होता है। अब हम देख रहे हैं कि जनसंख्या घनत्व के भिन्न भिन्न प्रकार क्या होते हैं, तो उनमें से कुछ प्रकार हम देख लेंगे, जिससे अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए तो हम लिख के आ सकें। तो देखिए, अंकगणितीय घनत्व क्या है, अर्थमेटिक डेंसिटी, यानी कि कुल जनसंख्या बटे भूमि का क्षेत्रफल, तो इसे कहते हैं अंकगणितीय घनत्व। यानी कि कुल जनसंख्या, मान लीजिए कि एक देश की जनसंख्या है कुल 1000 और वहाँ का जो भूमि का क्षेत्रफल है वो है 200 किलोमीटर स्क्वायर, तो 1000 बटे 200 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि आ गया 5, यानी कि प्रति किलोमीटर स्क्वायर में 5 लोग रह रहे हैं, तो ये वहाँ का हो गया अंकगणितीय घनत्व या अर्थमेटिक डेंसिटी। तो दूसरा प्रकार है क्रियात्मक घनत्व या फिर फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। तो देखिए, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी क्या है, एक यूनिट कृषि योग्य भूमि द्वारा पोषित जनसंख्या, यानी कि एक यूनिट कृषि योग्य भूमि है। अब देखिए, यूनिट से मतलब है कि आप ये भी कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में जो कृषि योग्य भूमि है तो उससे कितनी जनसंख्या को पोषण मिल रहा है, यानी उस पर कितने लोग निर्भर हैं। या देखिए, अब कृषि योग्य भूमि है तो उस पर कृषि होगी, कृषि होगी तो उससे कुछ उत्पादन होगा, तो उस जो उत्पादन हो रहा है उससे कितने लोगों को पोषण मिलता है या कितने लोगों को भोजन मिलता है, इसकी इस फिजियोलॉजिकल डेंसिटी के अंतर्गत गणना की जाती है। तो देखिए, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी जितना ज़्यादा होगी, भूमि पे दबाव भी उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि अब देखिए, अगर प्रति यूनिट भूमि पे बहुत ज़्यादा लोग निर्भर हैं, यानी बहुत बड़ी जनसंख्या जो है कम भूमि पे निर्भर है, यानी कि उस भूमि पे बहुत ज़्यादा दबाव होगा कि अधिकतम उत्पादन करें, तो इससे क्या होगा, अधिकतम उत्पादन करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर वगैरह का यूज होगा, तो इससे धीरे धीरे देखा जाता है कि जो भूमि की क्षमता है वो कम होने लगती है, भूमि अनुर्वर होने लगती है, तो ये सारी समस्याएं आती हैं सामने। तो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, भूमि पे दबाव भी उतना ज्यादा होगा। फिर बात आती है कृषि घनत्व या एग्रीकल्चरल डेंसिटी की। तो प्रति यूनिट कृषि योग्य भूमि पर जो कृषक काम कर रहे हैं उनकी संख्या, ये कृषि घनत्व कहलाता है। तो यानी कि देखिए, एक यूनिट कृषि योग्य भूमि है, अब उसमें मान लीजिए 100 लोग काम कर रहे हैं, तो फिर यही फॉर्मूला अपना के कि 100 बटे भूमि का क्षेत्रफल कृषि योग्य भूमि का, यानी अपॉन में 1। तो आप देखिए, 100 लोग क्योंकि 1 किलोमीटर स्क्वायर भूमि पे काम कर रहे हैं, तो कृषि घनत्व आ जाएगा 100, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से, यानी कुल जनसंख्या बटे भूमि का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसमें क्या हो जाएगा, कुल जनसंख्या बटे कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल, तो इससे हम एग्रीकल्चरल डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो कृषि घनत्व और क्रियात्मक घनत्व, यानी कि जो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी और जो एग्रीकल्चरल डेंसिटी है, इन दोनों को एक साथ देखने पे ये पता चलता है कि कोई जो भूमि है, किसी देश की जो भूमि है या किसी राज्य की जो भूमि है, उस पर कितने ज़्यादा लोगों का दबाव है, और उसी के साथ उस भूमि पर निर्भर लोगों की संख्या क्या है, यानी कितने सारे लोग उस भूमि पर निर्भर हैं, उस भूमि से अपनी जीविका कमा रहे हैं, और इसके साथ ही भूमि पर कितना दबाव है, यानी कितने लोग उस भूमि से खाद्य पदार्थों को प्राप्त करते हैं। तो ये दोनों बातें जो है क्रियात्मक घनत्व और कृषि घनत्व को देखने से पता चलती हैं। अब आते हैं शहरी घनत्व पे। तो एक शहरीकृत क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या, ये अर्बन डेंसिटी हो गई। यानी अब मान लीजिए दिल्ली से है, तो दिल्ली में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग निवास करते हैं, तो ये वहां की अर्बन डेंसिटी हो गई। तो इस तरह से देखिए, अब इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग होता है अर्बन प्लानिंग में, ये जानने के लिए कि किसी जगह पे डेंसिटी कितनी ज्यादा है, और उसी हिसाब से फिर वहां पे कैसी हाउसिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, क्या वाटर की व्यवस्था होना चाहिए, ये सारी चीजें देखी जाती। तो ये देखिए, जनसंख्या घनत्व हो गया। अब हम ये देख लेते हैं कि विश्व में जो जनसंख्या घनत्व है अलग अलग स्थानों पे वो किस प्रकार से है। तो उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र देखिए, मानसूनी एशिया, पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का अटलांटिक तट है, फिर ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पूर्वी तटीय मैदानी भाग है,
फिर बात आती है साधारण घनत्व वाले क्षेत्रों की, तो दक्षिण पूर्वी एशिया, जिसमें कि जावा द्वीप को छोड़ दें क्योंकि यहाँ पे उर्वर थोड़ी सी मिट्टी पाई जाती है, जिससे यहाँ पे जो है घनत्व आमतौर जो आम है बाकी इंडोनेशिया का उससे थोड़ा ज्यादा है। तो बाकी जो दक्षिण पूर्वी एशिया है वहाँ पे जो है जनसंख्या घनत्व साधारण है, पूर्वी यूरोप में अटलांटिक तट को छोड़कर उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य और पश्चिम एशिया, तो ये सारे जो है साधारण घनत्व वाले क्षेत्र हैं। अब बात आती है विरल घनत्व वाले क्षेत्र, जहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है। तो देखिए, विषुवतीय प्रदेश है, उष्ण एवं शीतोष्ण मरुस्थल है, टैगा एवं टुंड्रा जलवायु है, तो ये विरल घनत्व वाले प्रदेश हैं, ये जनसंख्या नहीं, विरल जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश। तो देखिए, जो जनसंख्या घनत्व है क्योंकि वो देशों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तो ऐसे में हो सकता है कि किसी देश में जो जनसंख्या है वो तो ज्यादा हो लेकिन वहाँ का जो आप कह लीजिए जो जनसंख्या घनत्व है वो कम हो। तो चलिए देखिए, ये आपके सामने जो मैप है ये वर्ल्ड की जो अलग अलग देशों में पॉपुलेशन है उसका मैप है, और ये जो आगे मैप है इसके मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला, तो ये है पॉपुलेशन डेंसिटी का मैप, यानी अलग अलग देशों में जो डेंसिटी है। तो चलिए इनको देखते हैं। तो देखिए, पहले बात करते हैं पॉपुलेशन वाली मैप की। तो आप इसमें देख रहे हैं कि रशिया जो है यहाँ पे जो जनसंख्या है बहुत ज्यादा है, चीन में तो आप जानते ही हैं विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, भारत विश्व में जनसंख्या में दूसरे नंबर पे है, ठीक है। फिर आप बांग्लादेश को भी देख सकते हैं, तो बांग्लादेश में भी जो जनसंख्या है काफी ज्यादा है। पर देखिए, जब घनत्व की बात आप करेंगे तो घनत्व जो है जनसंख्या का वो हालांकि भारत में जनसंख्या ज्यादा है लेकिन जो जनसंख्या घनत्व है वो बांग्लादेश में ज्यादा है। फिर ऐसे ही भारत चीन की बात करें तो जनसंख्या तो चीन की ज्यादा है लेकिन जो जनसंख्या घनत्व है वो भारत में ज्यादा है, ठीक है। फिर देखिए, यूरोप की बात करें तो यूरोप में जनसंख्या उतनी ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कहीं कहीं पे दिखाई पड़ता है। तो यानी कि अगर देखिए देश का क्षेत्रफल कम है या कह लीजिए बहुत छोटा देश है, तो हो सकता है उसका जनसंख्या घनत्व ज्यादा हो जबकि वहां पे जनसंख्या ज्यादा ना हो। तो बस मुझे यही आपको समझाना था जिससे कि आप थोड़ा सा इसके अंदर जो डिफरेंस होता है जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व में उसको आप समझ जाए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कि अब जनसंख्या घनत्व वाला हमारा टॉपिक खत्म हो गया और आज का जो दूसरा टॉपिक है, और मैं कहूंगा जो आज का मुख्य टॉपिक है, वो शुरू हो गया है। तो यह है कि अतिरेक जनसंख्या क्या होती है, अल्प जनसंख्या क्या होती है और अनुकूलतम जनसंख्या क्या होती है। तो पहले बात करते हैं अतिरेक जनसंख्या या ओवर पॉपुलेशन की। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ओवर पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो देखिए, अगर जनसंख्या उपलब्ध संसाधनों से ज्यादा हो जाए तो इसे ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। अब मान लीजिए किसी देश में बहुत ज्यादा जनसंख्या है लेकिन वहां पे कोई दिक्कत नहीं हो रही इस जनसंख्या की वजह से, तो जियोग्राफी की भाषा में फिर वहां पे ओवर पॉपुलेशन नहीं है क्योंकि वहां पे जो उपलब्ध संसाधन है यानी वहां जो पानी उपलब्ध है, जो भोजन उपलब्ध है, वो सारे वहां की जनसंख्या के लिए पर्याप्त है। तो ऐसे में हम उसे ओवर पॉपुलेशन नहीं मानेंगे। तो ओवर पॉपुलेशन कब मानी जाएगी, जब जो जनसंख्या है वो जो उपलब्ध संसाधन है उनसे ज्यादा हो जाए। यानी कि मान लीजिए किसी देश में आप कह लीजिए कि जो खाद्यान्न का उत्पादन होता है वो 100 मिलियन टन होता है लेकिन वहां की जो जनसंख्या है वो इतनी ज्यादा है कि उसका पेट 100 मिलियन टन से भी नहीं भर पा रहा है, यानी कुपोषण की समस्या हो रही है, भुखमरी की समस्या हो रही है, तो फिर हम उस देश की पॉपुलेशन को ओवर पॉपुलेशन मानेंगे। और अब मान लीजिए कि किसी देश में जो है मान लीजिए जो उत्पादन होता है केवल 10 मिलियन टन होता है लेकिन वहां की जो जनसंख्या है उसके लिए ये 10 मिलियन टन का जो उत्पादन है वो पर्याप्त है, तो ऐसे में फिर हम उसको ओवर पॉपुलेशन की स्थिति नहीं मानेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो जनसंख्या है जब वो उपलब्ध रिसोर्सेज से ज्यादा हो जाती है, यानी कि जो वहां पे उपलब्ध रिसोर्सेज हैं वो जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इसे हम ओवर पॉपुलेशन की सिचुएशन कहते हैं। तो किन्हीं कारणों से, देखिए अगर संसाधनों में तेजी से कमी होने लगे तो भी फिर ओवर पॉपुलेशन की सिचुएशन आ जाएगी। अब मान लीजिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो मान लीजिए कि तेजी से देखा जाए विश्व में कि फसल जो पहले उत्पादन होता था उनमें तेजी से कमी आ रही है, यानी जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें तेजी से कमी आ रही है, या जो वाटर जो उपलब्ध था पीने योग्य जल जो उपलब्ध था उसमें तेजी से कमी आ रही है। तो ऐसे में देखिए भले ही जनसंख्या स्थिर हो लेकिन जो सिचुएशन है वो ओवर पॉपुलेशन की हो जाएगी क्योंकि अब जो उपलब्ध संसाधन है वो उस जनसंख्या के लिए पर्याप्त नहीं हो रहे हैं। तो जैसे कि मैंने लिख भी दिया है कि फसल नष्ट होना, जैसे कि जलवायु परिवर्तन वगैरह से, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब देखिए इसके डिफरेंट टाइप कौन से होते हैं, तो एक हो गया निरपेक्ष अतिरेक जनसंख्या या एब्सोल्यूट ओवर पॉपुलेशन। तो एब्सोल्यूट ओवर पॉपुलेशन क्या है, जब जो अधिकतम उत्पादन है वो भी जनसंख्या की आवश्यकताएं पूरा नहीं कर पाता है। अब मान लीजिए कि एक देश में जो संभावना है सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने की वो है 100 मिलियन टन, तो 100 मिलियन टन से ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन वो देश नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब वो अपनी जितनी क्षमता है उतना पूरा पूरा खाद्यान्न उत्पादन कर रहा है, यानी 100 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन कर रहा है लेकिन फिर भी वहां की जो जनसंख्या है उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है। तो ये हो गई एब्सोल्यूट ओवर पॉपुलेशन, यानी कि अब इसका कोई विकल्प नहीं है, अब जनसंख्या कम ही करना होगी क्योंकि अधिकतम जो उत्पादन है अब वो किसी भी चीज में हो सकता है, जैसे
कोई देश जितनी अधिकतम जो एनर्जी का उत्पादन कर सकता है उतनी अधिकतम एनर्जी का उत्पादन कर रहा है, लेकिन वहाँ सभी को फिर एनर्जी नहीं मिल पा रही है, या कह लीजिए सभी को बिजली नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में ये निरपेक्ष अतिरेक जनसंख्या की सिचुएशन है या एब्सोल्यूट ओवर पॉपुलेशन की सिचुएशन है। फिर आती है आपेक्षिक अतिरेक जनसंख्या या रिलेटिव ओवर पॉपुलेशन। तो रिलेटिव ओवर पॉपुलेशन क्या है? देखिए, जब उपलब्ध जो उत्पादन है या संसाधन है उनसे जनसंख्या की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है, लेकिन उत्पादन वृद्धि की संभावना बनी हुई है। अब मान लीजिए कि एक देश है जो जितनी बिजली उत्पादन कर रहा है, तो उससे वहाँ की जो जनसंख्या है या फिर कह लीजिए वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनमें सभी में बिजली नहीं पहुँचाई जा पा रही है, लेकिन इस बात की संभावना है कि वो देश जो है अलग अलग परियोजनाओं की मदद से अपने यहाँ जो बिजली का उत्पादन है उसे बढ़ा दे, और फिर जो लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है उनको जो है बिजली उपलब्ध करा दी जाए। इसी तरह से आप खाद्यान्न की बात कर सकते हैं। मान लीजिए एक देश में जो खाद्यान्न उत्पादन की क्षमता है वो 100 मिलियन टन है, लेकिन वो जो देश जो खाद्यान्न का उत्पादन कर रहा है वो अभी केवल 50 मिलियन टन है, यानी कि अभी इसके पास 50 मिलियन टन की क्षमता है जिसको ये बढ़ा सकता है। तो अभी क्योंकि देखिए ये केवल 50 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन कर रहा है इसलिए इसकी जनसंख्या की जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, लेकिन अगर ये 100 मिलियन टन उत्पादन करने लगेगा तो इसकी जनसंख्या की जो जरूरतें हैं वो पूरी होने लगेंगी, यानी उत्पादन बढ़ा के ये अपनी जनसंख्या की जो जरूरतें हैं जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सकता है। तो इसे कहेंगे आपेक्षिक अतिरेक जनसंख्या या रिलेटिव ओवर पॉपुलेशन। तो देखिए ये जो ओवर पॉपुलेशन है इसके क्या परिणाम सामने आते हैं? तो बेरोजगारी है, निम्न आय है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग होंगे और फिर उनके बीच में जो आप कह लीजिए कि इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी तो सभी को थोड़ी थोड़ी आय होगी। जीवन स्तर निम्न होता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ भी जमीनी स्तर तक नहीं पहुँच पाता है। फिर अत्यधिक जनसंख्या घनत्व होता है क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा अगर जनसंख्या होगी और देश का क्षेत्रफल कम है तो जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा होगा, तो ऐसे में फिर पॉल्यूशन वगैरह की बहुत ज़्यादा समस्या होगी, कुपोषण की समस्या रहती है क्योंकि देखिए अब इतने ज्यादा लोग हैं सभी को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है तो कुछ लोगों को कुपोषण की समस्या है, अकाल की समस्या, इनसे भी गुजरना होगा। तो अब देखिए माना जाता है कि भारत है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, तो ये देश जो है ये ओवर पॉपुलेशन की समस्या से गुजर रहे हैं। इस तरह के और भी देशों का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो मैंने तो दो तीन बस इसलिए दे दिया आपको कि आपके दिमाग में एक मैप बन जाए, बाकी आप चाहें जितने का एग्जाम्पल दे सकते हैं अपनी कॉपी में। अब देखिए बात करते हैं कि अल्प जनसंख्या या अंडर पॉपुलेशन क्या है, यानी कि अल्प जनसंख्या क्या है। तो देखिए जब जनसंख्या इतनी कम है कि उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाने में सक्षम नहीं है, जिस कारण संसाधनों का पूर्ण दोहन संभव नहीं हो पा रहा है। अब मान लीजिए कि जनसंख्या इतनी कम है कि उस देश में जो जो भी संसाधन उपलब्ध है वो उसको पूरी तरह से उसका दोहन नहीं कर पा रही या पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रही। अब मान लीजिए एक देश में जो खाद्यान्न उत्पादन की क्षमता है वो 50 मिलियन टन है, लेकिन वहाँ पे जनसंख्या इतनी कम है कि वहाँ पे 50 मिलियन टन का खाद्यान्न कभी उत्पादन हो ही नहीं पाता है क्योंकि वो आप कह लीजिए कृषि करने के लिए लोग उपलब्ध नहीं है। तो जब जनसंख्या इतनी कम है कि जो वहां पे उपलब्ध संसाधन है उनका लाभ नहीं उठाया जा पा रहा है, तो इसे कहते हैं हम अल्प जनसंख्या की समस्या। तो देखिए विकसित देशों के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे अल्प जनसंख्या पाई जाती है क्योंकि अधिकतर लोग जो है शहरों की ओर विकसित देशों में माइग्रेट कर गए, तो ग्राम जो है या जो गांव है वहाँ पे जनसंख्या बहुत कम होती है। तो ऐसे में जो ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग संसाधन हैं उनका लाभ उठाने के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ही नहीं है, तो वहाँ पे अंडर पॉपुलेशन रहती है। फिर पिछड़े देशों में मृत्यु दर अधिक होने के कारण ये समस्या रहती है। अब देखिए कोई बहुत ज़्यादा पिछड़ा देश है तो वहाँ पे क्योंकि मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में फिर जो लोग हैं या कह लीजिए जो कार्यकारी जनसंख्या या काम करने वाले लोगों की जो संख्या है वो लगातार कम रहती है। तो ऐसे में जब काम करने वाले लोगों की संख्या कम होगी तो फिर उस देश में जो उपलब्ध संसाधन है उनका लाभ नहीं उठाया जा पाएगा। फिर देखिए कम तकनीकी विकास वाले क्षेत्रों में, जैसे कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे तकनीकी विकास नहीं हो पाया और इसके चलते वो जो देश हैं वो वहाँ जितने ज़्यादा आप कह लीजिए संसाधन उपलब्ध हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे अमेजन नदी बेसिन है, विषुवत रेखा पे कांगो बेसिन है, तो यहाँ पे जितना तकनीकी विकास की कमी की वजह से जो उपलब्ध संसाधन है उनका जनसंख्या जो है लाभ नहीं उठा पा रही है। फिर देखिए इस तरह के एग्जाम्पल्स में आप किन देशों के नाम दे सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, तो इनका नाम आप अपने एग्जाम्पल में लिख सकते हैं अंडर पॉपुलेशन में। तो अब देखिए बात करते हैं अनुकूलतम जनसंख्या या ऑप्टिमम पॉपुलेशन की। तो निश्चित तकनीकी एवं आर्थिक परिस्थितियों में अधिकतम प्रति व्यक्ति उत्पादन जिससे अधिकतम जनसंख्या को सर्वोच्च संभव जीवन स्तर की प्राप्ति हो। तो चलिए इसे एक इजी वे में मैं आपको समझाता हूँ। अब मान लीजिए कि एक देश की जो अधिकतम पॉपुलेशन है जो वहाँ पे संभव है उतनी पॉपुलेशन वहाँ पे है, और उस पॉपुलेशन को जो अधिकतम उत्पादन है वो भी प्राप्त हो रहा है। यानी कि मान लीजिए अब एक देश है वहाँ पे 100 मिलियन टन का जो है उत्पादन संभव है, तो वहाँ 100 मिलियन टन का उत्पादन हो रहा है,
और उस 100 मिलियन टन से जितनी जनसंख्या को आप कह लीजिए पोषण उपलब्ध कराया जा सकता है या खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सकता है, ठीक उतनी ही जनसंख्या उस देश में है। तो यानी कि जितनी जनसंख्या है उसकी जरूरतें भी पूरी हो रही हैं और जो उत्पादन है वो भी अपने अधिकतम स्तर पे है, यानी इससे ज़्यादा ना उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है और ना इससे ज़्यादा जनसंख्या जो है फिर उसको कुछ लाभ हो सकता है, यानी कि फिर उसको जो है वही खाद्यान्न वगैरह की समस्या आने लगेगी। यानी जनसंख्या उस स्तर पे है जब उसको जो सर्वोच्च जीवन स्तर संभव था उस देश में वो उसकी प्राप्ति हो रही है। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्यों लिखा है कि निश्चित तकनीकी और आर्थिक परिस्थितियां। तो अब मान लीजिए कि कोई तकनीकी परिवर्तन आए जिसकी वजह से अभी मान लीजिए जितना उत्पादन हो रहा है अगले 10 वर्षों बाद उसका डबल उत्पादन करना संभव हो जाए, मान लीजिए किसी इस तरह के बीज आ जाए कि जो हम उत्पादन कर रहे हैं उसे डबल करना संभव हो जाए, तो फिर ये तो फ्यूचर की बात हो गई। तो हम कहते हैं कि किसी निश्चित तकनीकी एवं आर्थिक परिस्थितियां, यानी जो वर्तमान में तकनीक है, जो वर्तमान की आर्थिक परिस्थितियां हैं, इन तकनीक और आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए जितना अधिकतम प्रति व्यक्ति उत्पादन वर्तमान में संभव है उतना अधिकतम उत्पादन हो रहा है और उस जनसंख्या से जितने अधिकतम लोगों को फीड किया जा सकता है, अधिकतम लोगों को पोषण दिया जा सकता है, उतने अधिकतम लोगों को पोषण दिया जा रहा है। यानी कि ना जनसंख्या ज्यादा है ना कम है, अनुकूलतम है, जितना खाद्यान्न उपलब्ध है या जितने अन्य रिसोर्सेस उपलब्ध है। तो कि जब रिसोर्सेस की बात करते हैं तो उसमें ऊर्जा है, वाटर है, हर तरह का रिसोर्स आ जाता है, यहाँ तक कि स्वास्थ्य सुविधाएं भी आ जाती हैं। तो इन सारी चीजों को हम लेके चलते हैं और सभी को, यानी कि उस देश में जितने लोग हैं सभी को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, अच्छी ऊर्जा की सुविधा उपलब्ध है, पानी उपलब्ध है, भोजन उपलब्ध है, यानी कि वहाँ जो उच्चतम जीवन स्तर है वो जो संभव था वो वहां पे मिल रहा है। तो देखिए ऐसा माना जाता है कि विश्व के लिए जो अनुकूलतम जनसंख्या है वो 1.5 से 2 बिलियन है, ठीक है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि 7 बिलियन के आसपास जनसंख्या है, तो हम विश्व की जो जनसंख्या उसे अनुकूलतम तो नहीं कह सकते हैं। अच्छा देखिए, जो अनुकूलतम जनसंख्या है उसे ऐसा कोई पैमाना नहीं डिसाइड किया जा सकता है कि हर देश में अगर इतनी जनसंख्या हो तो वो अनुकूलतम होगी, क्योंकि जिस देश में जिस अनुपात में रिसोर्स हैं उसी हिसाब से उसकी अनुकूलतम जनसंख्या होगी। अब मान लीजिए कि किसी देश की क्षमता जो है 10 मिलियन टन जो है खाद्यान्न उपलब्ध उत्पादन करने की है, तो जो 10 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन कर रहा है उसी के अनुकूल उसके यहाँ जनसंख्या भी होना चाहिए। अगर उससे थोड़ी ज्यादा जनसंख्या होगी तो फिर लोगों को गरीबी है, भुखमरी है, इसका सामना करना पड़ेगा, यानी ओवर पॉपुलेशन कहेंगे, और अगर इससे कम होगी तो जो संसाधन उपलब्ध है उनका दोहन नहीं हो पाएगा, यानी अंडर पॉपुलेशन हो जाएगी। तो ठीक उतनी जनसंख्या है जितना उत्पादन उपलब्ध है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी देश के लिए अनुकूलतम जनसंख्या क्या होना चाहिए। ये अलग अलग देशों के लिए अलग अलग होगी, यहाँ तक कि अलग अलग रीजन के लिए, यानी कि जो यूपी के लिए अनुकूलतम जनसंख्या है वो हो सकता अलग हो, और जो बिहार के लिए अनुकूलतम जनसंख्या है वो अलग हो, और जो केरल के लिए अनुकूलतम जनसंख्या है वो अलग हो। तो देखिए जहाँ पे जिन देशों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है वहाँ की समस्याएं भी बहुत ज़्यादा हैं और बहुत बड़े लेवल पे वहाँ पे समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो ऐसे में एक प्रश्न उठता है कि जनसंख्या में तेजी से कमी लाने की नीति सही है या विकास के पथ पे अग्रसर रहें ये नीति सही है। यानी कि देखिए माल्थस क्या कहता था कि अगर जनसंख्या में तेजी से कमी नहीं आएगी तो फिर क्या होगा, जनसंख्या निरंतर बढ़ती जाएगी और फिर प्रकृति इसे कंट्रोल करेगी। कैसे कंट्रोल करेगी कि भूकंप है, सुनामी है और युद्ध है, इन सारी चीज़ों से फिर जनसंख्या आप कह लीजिए कम होगी, यानी कि जिसे माल्थस सकारात्मक अवरोध कहता था। और जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत क्या कहता है कि जब कोई देश विकास के पथ पे लगातार अग्रसर रहता है तो उसकी देखिए पहली अवस्था में जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है, दूसरी में फिर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, जिसमें अधिकतर देश इस समय माने जाते हैं, चाहे भारत हो चाहे अफ्रीका के कई सारे देश हो, तो फिर जो तीसरी अवस्था आती है उसमें धीरे धीरे जो जनसंख्या वृद्धि है वो कम होना शुरू करती है, और चौथी अवस्था से जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा तेजी से कम होने लगती है या स्टेबल हो जाती है, और पांचवी अवस्था में जो जनसंख्या वृद्धि है उसमें कमी आने लगती है। तो किस सिद्धांत को मान के देश अपनी नीतियों को तय करें, यानी कि माल्थस के सिद्धांत को माने और जैसा कि चीन ने किया उस तरह से करें, यानी कि एक बच्चे की नीति चीन ने लागू कर दी और उसकी वजह से क्या हुआ कि चीन में जो पॉपुलेशन है उसमें तेजी से कमी आई, या फिर इस सिद्धांत को लेकर चलें कि विकास के पथ पर लगातार अग्रसर रहें और इसके साथ ही ये मान के चलें कि जो जनसंख्या वृद्धि है उसमें अपने आप धीरे धीरे कमी आने लगेगी। तो चलिए हम इसको, ये अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए मैं आपको कुछ फैक्ट्स दूंगा और आखिरी में कुछ निष्कर्ष भी दूंगा जिसके आधार पर आप इस तरह की चीजों को लिख सके। तो जनसंख्या में कमी लाने के पहली बात तो यह है कि कारण क्या है, क्या क्यों जरूरत है विश्व में जनसंख्या में कमी लाने की। तो 2050 में जनसंख्या जो है 9.7 बिलियन हो जाएगी, ऐसा प्रोजेक्टेड है, ऐसा माना जा रहा है। तो इसमें से जो 85% जनसंख्या है वो केवल विकासशील देशों में जैसे कि भारत है, अफ्रीका है, इन देशों में निवास कर रही होगी।
तो विकासशील देशों का देखिए मानव विकास सूचकांक में प्रदर्शन बहुत ज्यादा खराब है। सिर्फ विकासशील देशों का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहीं पे जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है, जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा है, प्रति व्यक्ति आय कम है, शिशु मृत्यु दर अत्यधिक है, जन्म दर बहुत ज्यादा है, शिक्षा की व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है, बहुत कम लोग लिटरेट हैं, बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं, और अपराध, हिंसा, ये समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। तो देखिए जैसे कि लैटिन अमेरिका के देशों की मैं अगर आपको बात बताऊं तो वहां पे जो इनइक्वलिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में लैटिन अमेरिका के कुछ देश तो ऐसे हैं जहाँ के जो उद्योगपति हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अपने साथ जैसे कि भारत में जेड सिक्योरिटी होती है ना, जेड लेवल की सिक्योरिटी यानी बहुत टाइट सिक्योरिटी, तो वैसी सिक्योरिटी लेके अपने साथ घूमने को मजबूर है, वरना वहां पे हत्या हो जाती है उद्योगपतियों की। तो इस तरह का माहौल है विकासशील देशों में, यानी कि इस तरह की आप कह लीजिए अपराध की, हिंसा की समस्याएं हैं। फिर देखिए ये भी कहा जा रहा है कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये अमेरिका में 40% और ब्रिटेन में 30% रोजगारों को समाप्त करने वाली है। तो देखिए यहाँ पे फिर से मार्क्स के विचार आ जाते हैं कि मार्क्स कहता था ना कि जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से जो रोजगार हैं उनका ह्रास होता है, रोजगार कम होते हैं, तो इससे समस्या और गंभीर होती है। तो यहाँ पे फिर से मार्क्स के विचार एक बार प्रासंगिक हो जाते हैं। तो देखिए ये जो आपके सामने एक इंडेक्स है, ये HDI की जो आप जानते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आती है हर साल, तो 2017 के आंकड़ों पे बेस्ड है। तो अभी आप इसको याद मत करिएगा क्योंकि देखिए जब तक आपका मेंस होगा तब तक कुछ नए आंकड़े हो सकता है आपके पास आ जाए, तो जब मेंस पास में होगा तब आप इन चीज़ों को याद करिए, इन आंकड़ों को याद करिए। तो ये 2017 में जो आंकड़े आए थे HDI के उस पर बेस्ड है। तो देखिए इसके हिसाब से मैंने HDI रैंकिंग जो है उसको लिख रखा है, जो अलग अलग देशों की HDI रैंकिंग है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को ले रखा है, एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को अवेलेबल है, 15 साल से ऊपर की जिनकी उम्र है उनमें से कितनी प्रतिशत आबादी को एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है, फिर CO2 का कितना उत्सर्जन कर रही है वहाँ की आबादी, प्रति व्यक्ति कितना कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, इसके साथ ही देखिए पॉपुलेशन कितनी है उस देश की। और ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी के आंकड़े हैं ये 2014 पे आधारित है, यानी 2014 के आंकड़े हैं ये पॉपुलेशन डेंसिटी के। तो चलिए इसको मैंने इंडेक्स को क्यों रखा अब आपको ये बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो हमने शुरू में क्वेश्चन उठाया था कि जनसंख्या में तेजी से कमी लाई जाए या औद्योगिक विकास के पथ पे चल के और फिर ये माना जाए कि धीरे धीरे जनसंख्या जो है अपने आप कंट्रोल होने लगेगी, अपने आप स्टेबल हो जाएगी, तो यहाँ पे आप दोनों तरह के देश देखेंगे। जैसे चीन, तो चीन देखिए अपने औद्योगिक विकास के पथ पे भी चलता रहा, साथ में उसने बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसी के द्वारा अपनी जनसंख्या को कंट्रोल किया। और इसके साथ ही आप ऐसे भी देश देखेंगे जिन्होंने ऑटोमेटिक तरीके से जनसंख्या को कंट्रोल होने दिया, जैसे कि देखिए USA है, जापान है, तो इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसी नहीं अपनाई, इन्होंने क्या किया अपना जो औद्योगिक विकास है उसको जारी रखा और धीरे धीरे इनके यहाँ स्वास्थ्य की, शिक्षा की सुविधाएं ज़्यादा लोगों तक पहुंची, और उससे फिर ये जो जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत है उसकी तीसरी स्टेज और चौथी स्टेज तक आ गए, यानी यहाँ की जो पॉपुलेशन है स्टेबल हो गई और अब जापान में तो जो पॉपुलेशन है वो कम होना शुरू हो गई है। तो दोनों तरह के आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। देखिए ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि जब आप अपने निष्कर्ष पर पहुंचे तो कुछ ऐसा मत लिख दें कि देखिए इंडिया में बहुत ज्यादा एग्रेसिव पॉलिसी की जरूरत है और इंडिया की जो वर्तमान नीतियां गलत हैं, या फिर आप यही लिख दें कि नहीं जो है बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगी। मतलब आप एक बीच का रास्ता अपनाएं जिसमें दोनों बातें हों। तो जब आप अपना एग्जाम्पल दें तो उसमें आप जापान, USA की भी बात कर सकते हैं और साथ में चाइना की भी बात कर सकते हैं। तो देखिए अब जैसे चाइना है, इसकी HDI रैंकिंग देखिए 90 है जो कि भारत से काफ़ी अच्छी है, 131 है। इसके साथ ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखिए लगभग अमेरिका के बराबर में है, 76 चाइना की है, USA की है 79.2। ठीक है, तो यानी कि चाइना ने अपनी स्थिति में तेजी से सुधार कर लिया अपने यहाँ की जो एक बच्चे की नीति है उसे अपना के। लेकिन अभी हम आगे निष्कर्ष में देखेंगे, जब निष्कर्ष की तरफ पहुँचेंगे कि वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हुई, जैसे कि वृद्ध लोगों की जो है जनसंख्या बढ़ गई। तो देखिए ये जो आपके सामने एक इंडेक्स है, ये HDI की जो आप जानते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आती है हर साल, तो 2017 के आंकड़ों पे बेस्ड है। तो अभी आप इसको याद मत करिएगा क्योंकि देखिए जब तक आपका मेंस होगा तब तक कुछ नए आंकड़े हो सकता है आपके पास आ जाए, तो जब मेंस पास में होगा तब आप इन चीज़ों को याद करिए, इन आंकड़ों को याद करिए। तो ये 2017 में जो आंकड़े आए थे HDI के उस पर बेस्ड है। तो देखिए इसके हिसाब से मैंने HDI रैंकिंग जो है उसको लिख रखा है, जो अलग अलग देशों की HDI रैंकिंग है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को ले रखा है, एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को अवेलेबल है, 15 साल से ऊपर की जिनकी उम्र है उनमें से कितनी प्रतिशत आबादी को एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है, फिर CO2 का कितना उत्सर्जन कर रही है वहाँ की आबादी, प्रति व्यक्ति कितना कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, इसके साथ ही देखिए पॉपुलेशन कितनी है उस देश की। और ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी के आंकड़े हैं ये 2014 पे आधारित है, यानी 2014 के आंकड़े हैं ये पॉपुलेशन डेंसिटी के। तो चलिए इसको मैंने इंडेक्स को क्यों रखा अब आपको ये बताता हूँ।
तो देखिए यहाँ पे जो हमने शुरू में क्वेश्चन उठाया था कि जनसंख्या में तेजी से कमी लाई जाए या औद्योगिक विकास के पथ पे चल के और फिर ये माना जाए कि धीरे धीरे जनसंख्या जो है अपने आप कंट्रोल होने लगेगी, अपने आप स्टेबल हो जाएगी, तो यहाँ पे आप दोनों तरह के देश देखेंगे। जैसे चीन, तो चीन देखिए अपने औद्योगिक विकास के पथ पे भी चलता रहा, साथ में उसने बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसी के द्वारा अपनी जनसंख्या को कंट्रोल किया। और इसके साथ ही आप ऐसे भी देश देखेंगे जिन्होंने ऑटोमेटिक तरीके से जनसंख्या को कंट्रोल होने दिया, जैसे कि देखिए यूएसए है, जापान है, तो इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसी नहीं अपनाई, इन्होंने क्या किया अपना जो औद्योगिक विकास है उसको जारी रखा और धीरे धीरे इनके यहाँ स्वास्थ्य की, शिक्षा की सुविधाएं ज़्यादा लोगों तक पहुंची, और उससे फिर ये जो जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत है उसकी तीसरी स्टेज और चौथी स्टेज तक आ गए, यानी यहाँ की जो पॉपुलेशन है स्टेबल हो गई और अब जापान में तो जो पॉपुलेशन है वो कम होना शुरू हो गई है। तो दोनों तरह के आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। देखिए ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि जब आप अपने निष्कर्ष पर पहुंचे तो कुछ ऐसा मत लिख दें कि देखिए इंडिया में बहुत ज्यादा एग्रेसिव पॉलिसी की जरूरत है और इंडिया की जो वर्तमान नीतियां हैं गलत हैं, या फिर आप यही लिख दें कि नहीं जो है बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगी। मतलब आप एक बीच का रास्ता अपनाएं जिसमें दोनों बातें हों। तो जब आप अपना एग्जाम्पल दें तो उसमें आप जापान, यूएसए की भी बात कर सकते हैं और साथ में चाइना की भी बात कर सकते हैं। तो देखिए अब जैसे चाइना है, इसकी HDI रैंकिंग देखिए 90 है जो कि भारत से काफ़ी अच्छी है, 131 है। इसके साथ ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखिए लगभग अमेरिका के बराबर में है, 76 चाइना की है, यूएसए की है 79.2। ठीक है, तो यानी कि चाइना ने अपनी स्थिति में तेजी से सुधार कर लिया अपने यहाँ की जो एक बच्चे की नीति है उसे अपना के। लेकिन अभी हम आगे निष्कर्ष में देखेंगे, जब निष्कर्ष की तरफ पहुँचेंगे कि वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हुई, जैसे कि वृद्ध लोगों की जो है जनसंख्या बढ़ गई, पर इसके साथ ही देखिए जो CO2 का इमिशन है अलग अलग देशों में वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो पर कैपिटा इमिशन है वो बढ़ता जा रहा है और जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी कार्बन डाइऑक्साइड का फिर उत्सर्जन भी उतना ज़्यादा होगा क्योंकि उतना ज़्यादा उपभोग करेंगे अलग अलग चीज़ों का लोग। तो ऐसे में हम ये भी नहीं कर सकते कि जो जनसंख्या है उसको इसी तेज़ी से बढ़ने दें, यानी कि उसके लिए भी कुछ उपाय करने की ज़रूरत है। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर बहुत ज़्यादा हम एग्रेसिव पॉलिसीज अपनाते हैं तो उसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी सामने आते हैं। तो देखिए अब भारत की बात करते हैं, तो अभी हमने देखा कि जो भारत है उसकी मानव विकास सूचकांक में स्थिति अच्छी नहीं है, आप कह सकते हैं कि चीन है उससे भी खराब है, ब्राज़ील से भी हमारी स्थिति खराब है, यानी कि हमारी 131 है रैंकिंग और जो ब्राज़ील है वो 79 पे है, चाइना 90 पे है। तो इस तरह से मतलब भारत की जो HDI में रैंकिंग है देखिए वो अच्छी नहीं है। फिर 2.4% जो भारत के पास विश्व की जो कुल भूमि है उसका केवल 2.4% है और जो विश्व की कुल जनसंख्या है उसमें से 18% भारत में रहती है। तो ऐसे में भारत की भूमि पे बहुत ज़्यादा दबाव भी है। अभी हमने एग्रीकल्चर डेंसिटी वगैरह देखा था ना, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, एग्रीकल्चर डेंसिटी, तो वो डेंसिटी भी भारत में बहुत ज़्यादा है, यानी भूमि पे दबाव भी बहुत ज़्यादा है। फिर देखिए हरित क्रांति से क्या हुआ, खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई, बिल्कुल वृद्धि हुई, लेकिन इसके साथ ही स्वास्थ्य वगैरह के लिए खतरे भी उत्पन्न हुए। आज फर्टिलाइज़र का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न हो गया। और फिर से अब देखिए हमारी जो भारत सरकार है वो कह रही है कि अब हमें जैविक खेती की ओर वापसी करना चाहिए और सिक्किम को एक मॉडल के रूप में पेश किया जा रहा है, ऑर्गेनिक खेती होती है वहाँ पे। ठीक है, फिर प्रतिवर्ष 10 करोड़ रोजगारों की भारत को आवश्यकता है, यानी कि भारत की जो वर्तमान जनसंख्या है उस हिसाब से भारत को 10 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष चाहिए। अब देखिए अगर रोजगार नहीं होगा युवा के पास तो फिर समाज में वही है, क्राइम बढ़ने लगेगा, हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगेंगी, तो ये भी एक समस्या। फिर जनसंख्या घनत्व तो भारत का बहुत ज्यादा है, इसलिए स्वच्छ जल की जो उपलब्धता होना चाहिए, सभी को घर उपलब्ध होना चाहिए, वो नहीं है, इसीलिए हम देखते हैं कि भारत में झुग्गी झोपड़ियां बहुत ज्यादा हैं, इस तरह की समस्याएं हैं, मलिन बस्तियां जिसे हम कहते हैं उसकी समस्या बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। तो देखिए जो अमर सेन है आपको पता, उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, तो वो जो है केरल का मॉडल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो केरल का मॉडल क्या है, केरल ने जो उसके यहाँ के आम लोग हैं या कह लीजिए उसकी जो जनसंख्या है उसको स्वास्थ्य है, शिक्षा है, तो इस तरह की जो बुनियादी सेवाएं हैं वो बहुत आसानी से उपलब्ध करा दी। यानी कि जब स्वास्थ्य की, शिक्षा की सुविधा लोगों पास अवेलेबल हो गई, लोगों को स्वास्थ्य अच्छा, जो स्वास्थ्य सुविधाएं वो मिलने लगी, शिक्षा की अच्छी सुविधाएं मिलने लगी, तो लोगों में धीरे धीरे अवेयरनेस आई, वहाँ की फिर जो जनसंख्या है वो ऑटोमेटिक रूप से कम होने लगी। और अब आप देखते हैं कि केरल में जो नागरिक हैं उनमें अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे जो लिंगानुपात है उसकी स्थिति अच्छी है, भारत के सारे प्रदेश मिला के जो केरल है उसकी स्थिति की बराबरी कोई नहीं कर पाता है। फिर देखिए दूसरी बात, तो एक तो यही बात हो गई कि जो केरल है उसका मॉडल पूरे भारत में अपनाया जा सकता है, बल्कि पूरे विश्व में अपनाया जा सकता है, यानी कि स्वास्थ्य और शिक्षा की जो बुनियादी सुविधाएं हैं इनको लोगों को अवेलेबल करा दीजिए और लोग अवेयर हो जाएंगे, फिर जनसंख्या जो है अपने आप नियंत्रित हो जाएगी।
दूसरी बात आती है कि जो जनसांख्यिकी लाभांश होता है, यानी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है, उसका फायदा उठाने का भारत के पास बहुत अच्छा अवसर है। यानी कि हमारी जनसंख्या हमारे लिए सरदर्द नहीं है, बल्कि ये एक तरह से लाभ का विषय हो सकता है। अगर हम उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करा दें, यानी कि वो कुपोषित आबादी ना हो, उनके पास कौशल हो, यानी कि स्किल्ड आबादी हो, यानी कि वो काम कर सके, तो देखिए इससे क्या होगा, हमारे यहाँ मान लीजिए अब कई सारे श्रमिक हैं जो स्किल्ड हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारे यहाँ जो श्रम है वो सस्ता हो जाएगा। क्योंकि जब ज्यादा श्रमिक होंगे, यानी एक काम करने वाले ज्यादा लोग होंगे, तो देखिए ऑटोमेटिक रूप से जो श्रम है वो सस्ता हो गया, जैसा कि मार्क्स के सिद्धांत में भी हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे ये पॉजिटिव रूप में है। तो हमारे यहाँ श्रम सस्ता हो गया, तो अब जो विदेश में कंपनियां उत्पादन कर रही हैं, उनको लगेगा कि अगर भारत में उत्पादन करें तो हमें वेतन कम देना पड़ेगा, तो क्योंकि भारत में कम वेतन देना होगा तो वो भारत में आके उत्पादन करेंगी, तो इससे भारत को फायदा होगा। फिर भारत में भी जो अलग अलग कंपनीज उत्पादन कर रही हैं वो भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि उन्हें भी वेतन कम देना होगा, तो इससे हमारा निर्यात भी बढ़ेगा। तो देखिए एक टाइम चीन का जो विकास है उसमें इस चीज़ का बहुत बड़ा योगदान था कि चीन में जो है सस्ता श्रम उपलब्ध था, और इस वजह से बहुत सारी कंपनीज जो है चीन में चली गई और चीन एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया। ठीक है, तो अब भारत के लिए भी वही सिचुएशन है, यानी कि भारत भी अपनी स्थिति का लाभ उठा सकता है अगर वो अपनी जनसंख्या को स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कौशल है, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दे। फिर देखिए अगर हम चीन की बात करें तो एक तो चीन में वृद्धजनों की समस्या हो गई, यानी कि इस समय जो चीन है उसमें जो वृद्ध लोगों की आबादी है वो तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि देखिए युवा भी आबादी कंट्रोल कर दी, तो जो लोग उस समय के युवा थे अब वो वृद्ध हो रहे हैं। तो देखिए इस चीज को आप अच्छे से तब समझेंगे जब हम जनसंख्या के पिरामिड जो होता है उसको अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि चीन जो है वहां पर वृद्धजनों की समस्या बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में अब वहां पर धीरे धीरे जो श्रम है वो महंगा हो रहा है, यानी कि वहां पर जो लेबर चार्ज है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में जो काम करने वाली जनसंख्या है उसमें कमी आ रही है। ठीक है, फिर अब देखिए अगर आपके देश में बहुत ज़्यादा वृद्ध लोग होंगे तो उनका वित्तीय बोझ भी तो होगा, यानी कि उनको पेंशन प्रदान करना, उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान करना, तो चीन पे जो वित्तीय बोझ है वो भी बढ़ रहा है। इसके साथ ही देखिए चीन की जो लिंगानुपात की कंडीशन है वो भारत से खराब है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब एक बच्चे की पॉलिसी हो गई तो अधिकतर लोगों ने बॉय को ही प्रिफर किया। ठीक है, यानी कि भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा हो गई और इस वजह से वहाँ पर जो आबादी है उसमें लिंग का अनुपात बिगड़ गया है और पुरुष बहुत ज़्यादा हैं, महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा बहुत कम हो गई। तो ऐसे में देखिए अगर हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसी अपनाते हैं तो उसके कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, जैसे कि चीन में दिख रहे हैं। इसके साथ ही देखिए हम देख रहे हैं कि विश्व में जो क्लाइमेट चेंज की समस्या है या फिर अलग अलग देशों में हिंसा की समस्या है, तो ये सारी चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे में विकासशील देशों को जनसंख्या में कमी के लिए अधिक प्रयासों की आवश्यकता है, यानी कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या को स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराए, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या को शिक्षा सुविधाएँ उपलब्ध कराए, जिससे कि जनसंख्या पर एक पॉजिटिव तरीके से कंट्रोल हो सके, जनसंख्या वृद्धि में कमी आ सके। इसके साथ ही जन जागरूकता की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि लोगों को अवेयर किया जाए। तो भारत में आप देखिए कि सरकार के लेवल पे बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनमें लोगों को जनसंख्या के प्रति जन जागरूकता फैलाई जा रही है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि ज्यादा जनसंख्या से क्या उनको हानि है। और फाइनली देखिए जो विकासशील देश हैं उनको सहयोग की आवश्यकता है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी है, तो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं वो उनको अवेलेबल कराई जाएँ, यानी कि जो देखिए जैसे भारत है तो भारत को रिन्यूएबल एनर्जी की टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ऐसे में जो अमेरिका है, यूरोपीय देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, तो वो विकासशील देशों को अवेलेबल कराई जाए, जिससे कि जो जलवायु परिवर्तन है इस समस्या से भी निपटा जा सके। क्योंकि देखिए जो पॉपुलेशन है वो तो धीरे धीरे ही कंट्रोल होगी, तो ऐसे में या तो फिर पॉपुलेशन को बहुत एग्रेसिवली कंट्रोल किया जाए या फिर ये जो समस्याएं हैं इनको अल्टरनेट तरीके से इनसे जूझा जाए। तो ऐसे में अगर विकासशील देशों को नई नई टेक्नोलॉजी वगैरह उपलब्ध कराई जाएगी तो भी ये जो बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन की जो समस्या है या फिर ओवर पॉपुलेशन से विश्व के सामने ये जो क्लाइमेट चेंज वगैरह की समस्याएं आ रही हैं तो उनसे निपटा जा सकेगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।